और विंटर में तो अभी जैसे 0 degree था टेम्परेचर रात में, हाँ तो सर्दियों में तो 30 degree -30 degree -40 degree तक जाता होगा, 30 और 35 के बीच में, -30-35 के बीच में रहता है और पूरा बंद हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है। फिर विंटर में क्या करते हैं? हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 3 डे 4, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इस टाइम हूँ मैं चाहा विलेज में, तो ये चाहा विलेज कुछ हम लोग चले थे कल कीलोंग से सिंगुला पास क्रॉस करते पुण्या विलेज पहुँचे। पुण्या विलेज में हमारे लिए कोई स्पेस नहीं था क्योंकि ओवर हो चुके थे, वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आए हुए थे, मतलब 10 से 15 से 20 लोग थे और एक ही था होम स्टे वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई जगह नहीं थी। उसके बाद हम लोग आए चाहा विलेज, 3 से 4 किलोमीटर आगे चाहा विलेज है, यहाँ पे आए तो यहाँ देखा हमने बहुत छोटा सा गाँव है, एक है ना छोटी सी वैली सी है, वैली टाइप्स है, और ये जंस्कार वैली के अंदर लुगनुक वैली आती है, लुगनुक वैली के अंदर है ये चीज़, मतलब ये गांव जो है अपना चाहा विलेज, 4,500 फीट की हाइट पे ये गांव है। बस जहाँ मैं रुका था उसका एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कहाँ रुका था, और ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि देखो ये पीछे पूरा गाँव है, ये अपनी बाइक है ना, और ये है जहाँ हम लोग रुके थे कल, गांव को एक्सप्लोर करते हुए अच्छे से कि कैसे क्या माहौल है यहाँ का। यहाँ पे अभी जस्ट मैंने होम स्टे देखे, एक होम स्टे ये है, एक होम स्टे सामने रहा हमारे, तो कल यहाँ तक आया था पर मुझे दिखा नहीं यहाँ पे होम स्टे वाला, और देख सकते हो ये सब लोग अपने अपने खेती के लिए चल चुके हैं, मतलब जो भी इनकी खेती थी, जो भी डेली के इनके काम होते हैं उसके लिए, और ये देख रहे हो बिल्कुल प्योर पानी आ रहा है एकदम पहाड़ों में से, जो बर्फ पिघल के आ रही है ना वो वाला पानी एकदम ये है। और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और धूप बहुत अच्छी धूप आ रही है यहाँ पे इस टाइम, नहीं तो रात को टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। हम लोग जहाँ स्टे कर रहे हैं वहाँ का मैं थोड़ा एक व्यू दिखा देता हूँ आपको, ये मेरे शूज़ है अगर आपको दिख रहे हो तो, बहुत ही गंदे हो गए थे, अभी इसको थोड़े साफ करें, ये एंट्रेंस यहाँ से, ये हमारा रूम, भाई अभी जस्ट सो के उठे हैं और ठंड लग रही है भाई को, तो भाई कैसा रात को, कैसा रहा सीन? रात को सर्दी थी, टेम्परेचर 0 से कम था और पानी नहीं जम चुका है पूरा, सर्दी है यहाँ पर, ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम है, मतलब यूँ नहीं कह सकते ऑक्सीजन लेवल बराबर यहाँ का कम है, चलने फिरने में हमारी सांस फूल रही है, बाकी पूरा आइसोलेटेड विलेज है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है मोबाइल चार्जिंग, कैमरा चार्जिंग, ये हमारा नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ सोलर चार्जिंग से सारा काम हो रहा है, तो यहाँ कोई 2 पिन वाले, कोई 3 पिन वाले चार्जर वो तो है नहीं, प्लग तो जब यहाँ पर जब लाइट ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो यहाँ पर नेटवर्क का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और यार देखो रूम का व्यू देखो यार किस तरह से, मतलब यहाँ रहते हैं कि सब नीचे गद्दे बिछा के चारों तरफ, बीच में अपने ऐसी टेबल रख देते हैं खाना खाने के लिए, और थोड़ी बहुत सांस भी फूल रही साथ साथ बोलते हुए। हाइट इसकी समथिंग अराउंड 4,000 meter के आसपास है ये सी लेवल से। और विलेज घुमाते हैं, मॉनेस्ट्री घुमाते हैं और चलते फिर आगे। हमने कल खाना वाना खाया, डिनर किया था रात को अभी, और ये सर ओनर है यहाँ के, सर आपका नाम? तंजीन रुबी नाम है सर का नाम, और यहीं पे हमने कल डिनर किया था, अभी नाश्ते करने के लिए आए और फिर चाय रेडी। चाय रेडी है, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं फुकताल मोनेस्ट्री की तरफ, और कुछ भी ऐसा है निकले फिर तो हम रेडी सारे भाई लोग और फुकताल गोम्पा के लिए निकलते हैं, तो मिलते फिर आपको आगे। फुकताल गोम्पा के लिए हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिए और रोड देख लो कुछ ऐसे नैरो रोड है, तो हम पैदल पैदल जाएंगे ऐसे, नीचे था वो पुण्या विलेज और वहाँ से उधर से हम लोग आए चाहा गांव से, तो चाहा गांव से आते आते यहाँ से अब ट्रैकिंग कर रहे हैं, बाइक खड़ी कर दी हमने आगे की साइड, तो चलते हैं ट्रैकिंग करते हुए, मुझे नज़ारे दिखाता हूँ बीच के कैसे हैं, वैसे ही नैरो रोड है बिल्कुल, तो ट्रैक करते हुए जाएंगे आगे तक। अच्छा ठीक है, तो भाई ऐसी न्यूज़ है कि हाँ वैसे बोलते रहे कि जो लोकल अभी जो खच्चर खच्चर चलाने वाले
कि बंद है मोनेस्ट्री, वहाँ जाने देंगे अंदर, देखते हैं क्या सीन होता है। और भाई जमस्कार रिवर आ रही है वहाँ से, और वो पुणे वाले से वो वाला रोड आता है। करते ट्रैकिंग जब तक होती है अपने से बस की, करते ट्रैकिंग बढ़िया हुई, कभी कभार जाने का मौका मिलता है ट्रैकिंग करने का भी, तो ट्रैकिंग करनी चाहिए। बाइक चला रहे थे दिनों से, थोड़ी बहुत ट्रैकिंग कर लो फिर वापस घर जाके, तो वही बैठ रहे हैं आराम से, सब कुछ बंद हो जाएगी, नज़ारा देख लो। और बाकी ये ट्रैक जा रहा है। हाँ भाई क्या सीन? सीन यही है, तो भाई देखो ये ऐसे ट्रैक के बीच में, और यहाँ से होकर निकलते हैं। तो भाई फाइनली फुकताल मोनेस्ट्री पहुंचने वाले, फुकताल मोनेस्ट्री का गेट दिखा देते हैं तो अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ पे, और यहाँ पे एक ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करते हैं और पकड़ पकड़ चलना पड़ेगा शायद। मैं भी आऊँ पीछे पीछे है? हैं तार है। हाँ तार, उसको पकड़ के चलना भाई। तार कहाँ दिख रहा है मेरे को? तार लकड़ी है। अपन चलते हैं इस ट्रैक पे, और कैसा था ट्रैक चलते फिर आगे बताता हूँ। अरे आ जाओ भाई, बस चेक कर लेना पीछे से फट नहीं जाए, ठीक है भाई? हाँ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ भाई, पकड़ रखना टाइट, तार के ऊपर ही पैर रखना, तार 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 का ध्यान रखना। भाई ध्यान से, हाँ ये लास्ट वाला ध्यान रखना, लास्ट वाला, ये लास्ट जो है ना जहाँ से निकलोगे वो ध्यान रखना बस, ये लास्ट वाला ध्यान रखना, लास्ट वाला। भाई इधर मत आना, इधर आना, बहुत ज्यादा भाई मैं क्या करूँ। हाँ ध्यान उधर देना, उधर आना, उधर पकड़ के कहाँ हो गए? हाँ मार को लोहे पे नहीं कह रहा हूँ, लकड़ी पे डायरेक्ट, लकड़ी पे रखो, पकड़ रखना छोड़ना मत। हाँ टाइट रहो, बस यहाँ बैठ दो, बोले इसमें इसमें बैठ दो, यहाँ आ जाओ बीच में आ जाओ। तो भाई ट्रैक कर लिया, ये पुल भी क्रॉस कर दिया अपन ने, ब्रिज लकड़ियों को बना हुआ है, बीच में लोहे लगा रखे हैं, थोड़ा बहुत डेंजरस है पर मजा है, पान है, कोई बात नहीं। आवाज सुनो तो ऊपर चलते पहुंच की तरफ वहां से। तो ये एक और एंट्री गेट कुछ ऐसा, इसके अंदर से निकलते हैं। ये क्या बना रहा है?
फुकताल मॉनेस्ट्री। तो भाई फाइनली एंटर तो कर चुके हैं और हालत ख़राब हो गई, नीचे पड़ गए आके। ये है एंट्री गेट, यहाँ से जो मेन एंट्री गेट है, और फिर यहाँ से अंदर के लिए जाते हुए। तो चलते हैं अंदर, अंदर का रास्ता कुछ ऐसा है। ये अंदर का है कुछ ऐसे, लकड़ी के उससे बना रखा है। क्यों एक मस्त है पूज भगवान जी की साथ साथ। ओके, इधर 500-700 साल पुराना एक बिच्छू है बड़ा। ओके, बिच्छू है बड़ा। ओके, बिच्छू है मतलब बिच्छू क्या? ये पूरा मॉनेस्ट्री है। बिच्छू क्या चीज है? पूरा मॉनेस्ट्री का एरिया। बिच्छू जो जो होता है जानवर टाइप, वो क्या बना? बिच्छू क्या चीज होगी समझे नहीं। बिच्छू क्या? ये ऋषि वाला कितना पुराना है ये? कितना पुराना है ये? 200 साल 200 साल पुराना है। 2000 साल पुराना है। 2000 बोलता है हाँ डिलियन जांबो। ओके, उसके बाद रिंजन जांबो, उसके बाद थ्री ऋषि, उसके बाद चांसम शेरफ जांबो। अच्छा, चांसम शेरफ जांबो आके इधर 600 साल हो गया। अभी कौन है यहाँ का मालिक मेन? कौन है यहाँ का? क्या नाम है उनका जो मेन यहाँ का है? धर्मचाली है। धर्मचाली, ठीक है। ऊपर हम एक बार देख लेते हैं ना, सीढ़ी चढ़ लेते हैं। ठीक है, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? कितने लोग रहते हैं? 100 लोग। यहाँ 100 लोग रहते हैं इसी मॉनेस्ट्री में? अच्छा अच्छा, पानी वानी सब यही आ जाता है? बिजली का है, सोलर का ही बिजली से तो ना। दिखाता हूँ आपको, इतनी हाइट पे आए हुए हम, इधर कहाँ से कहाँ से होते हुए रास्ता है। ये रास्ता बाहर जाते हुए, तुम कहाँ थे? मैं ऊपर चल गया था। ऊपर गए थे जाके? तुम मैं को देखा, तुम ऊपर गए? नहीं नहीं, मैं ऊपर जाके आ गया। क्या ऊपर? वही नीचे रास्ते जाते हुए। अच्छा, तो भाई कुछ ऐसा था, अंदर अंदर में जा रहे हैं। हाँ। और अभी बंद है, वहाँ से चाबी लाके खोलेंगे। अरे पता नहीं, मैं जैकेट आया नहीं। ये कहाँ गए थे अपने साथ? वो गए, वो गए ऊपर में से मंदिर में, ऊपर जाके जा रहा था, फिर मैं आगे वापस उतर गया। थोड़ी सी स्ट्रिप सी चढ़ाई, फिर मैं वापस आ गया। वेट करते हैं, देखते हैं कब तक क्या होता है। तो भाई चलते वापस नीचे, ये देख लिया यहाँ पे मंदिर का वो तो है नहीं, यहाँ पे कहीं गए हुए। तो वापस चलते अपने पुण्य विलेज, पुण्य से फिर कौन सा था, चाह विलेज चलते फिर अपने, और देखते कितने बजे पहुँचते। अगर सही टाइम पहुँच गए तो फिर अपन निकल जाएंगे अपने आगे के जनरी पे।